वहीं मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश से एक ही आवाज आ रही है, अब की बात 400 पर। जब लोगों से पूछा जाता है कि वे मोदी सरकार क्यों चाहते हैं, तो लोग कहते हैं कि हम जो राम को ले आए हैं उनको लाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि आज का भारत नया भारत है, हमारी सरकार ने आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित किया है। पहले लोग स्वास्थ्य और सुविधाओं के अभाव में भूखे मरते थे, लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिलता है, 10 करोड़ लोगों को एलपीजी सिलेंडर, करोड़ों लोगों को पक्के मकान बना के दिए गए हैं। लेकिन यह सब शुरुआत है, हमें तो आत्मनिर्भर भारत बनाना है। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो आवाज है, दो ही स्वर गूंज रहे हैं। एक है चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का एक ही स्वर गूंज रहा है। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उनके मन में एक ही बात है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह है कृतज्ञता का भाव, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यह संकल्प जो देश के अंदर दिख रहा है अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, आज भारत एक नया भारत है।